हाय, देखिए आज सुबह मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर कुछ लोग चैट करने लगे और उन्होंने ये पूछा कि जैसे कि आप देख सकते हैं शिवानी बालियान जी यहाँ पे पूछ रही हैं कि सर एक बात बताइए, क्या ऐसा है कि आरपीएससी के एग्ज़ाम में जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, वो जो जनरल की सीट पर फाइट करेंगे और सिर्फ 5% की सीट पर फाइट करेंगे। तो इसके जवाब में मैंने तुरंत लिखा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि उस वक्त तक मैंने एडवर्टीज़मेंट नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एडवर्टीज़मेंट भेजा और मैंने उस एडवर्टीज़मेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा। ये जो आप पीडीएफ देख सकते हो, मैंने इस पीडीएफ को खोल के पूरी पढ़ी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उनकी आरपीएससी की वेबसाइट पे थी। और उस ऑफिशियल वेबसाइट से हमें ये पता चला कि नहीं, ये 5% के अदर कैंडिडेट्स के जो लोग हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और मैं आपको इस 5% के खेल का पूरा राज बताता हूँ। देखिए, शिवानी बालियान जी यहाँ पे ये लिख रही हैं कि सर जो कुछ YouTube चैनल हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 5% की सीट पे जनरल में फाइट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो यूट्यूबर्स होते हैं वो कोई वेरीफाइड सोर्स नहीं होते हैं। मैं 90% ऑफ यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी चैनल को देख के, मैंने ये बात पहले भी अपने जो चैनल है इस पे वीडियोस में करी हुई है कि अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ये कोई न्यूज़ वाले नहीं होते हैं, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं जो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ बताएंगे। इनको अपने व्यूज़ और लाइक से मतलब है और अपने सब्सक्राइबर से मतलब है। तो इस तरह की झूठी अफवाह ये फैलाते रहते हैं, इस तरह की ये फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं। मैंने आपको अपने पिछले एलटी ग्रेड के जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें आपको आर्टिकल नंबर 16 के बारे में बताया है। और आर्टिकल नंबर 16 देखिए यहाँ पर साफ साफ कहता है कि इस देश में, इंडिया में इक्वल अपॉर्चुनिटी जॉब में सबका हक है। ठीक है, इस देश में कहीं भी कोई भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, इसके बीच में जितनी भी स्टेट्स पड़ती हैं जो इंडिया में आती हैं, अगर वहाँ पे कोई भी वैकेंसी निकली है तो उसमें उतना ही हक दूसरे स्टेट वाले को भी दिया जाता है जितना कि उस एक पर्टिकुलर राज्य के स्टूडेंट को हक दिया जाता है। तो अगर आरपीएससी में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आपका सिलेक्शन, आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आप, अगर मान लीजिए 100 वैकेंसीज हैं जनरल की, तो आप भी जनरल की 100 सीट पे फाइट करेंगे। आप एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या फिर स्पोर्ट्स कोटा या किसी भी इस तरह की चीज़ से आते हैं तो आपको उसका अलग रिजर्वेशन दिया जाएगा और वो वैसा ही रिजर्वेशन होगा जो उस पर्टिकुलर राज्य का। अगर हम बात करें राजस्थान आरपीएससी की, तो हाँ, आरपीएससी ग्रेड वन में जो वहाँ का छात्र होगा उसको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वही अदर स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे, क्योंकि ये जो इंडिया है ये एक है और यहाँ पे कोई अलग स्टेट्स नहीं। और आर्टिकल 16 जो है वो आपको इस बात का राइट देता है कि इस देश में आप कहीं भी कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें उसके उतने ही हकदार होंगे जितना उस स्टेट का एक कैंडिडेट होगा। ठीक है, तो ये 5% वाली जो बात है ये ना ही आरपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के पीडीएफ में डाली है, ना ही ऐसी कोई बात आज तक देखने को मिली है। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि महाराष्ट्र में या फिर साउथ में कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें रीजनल लैंग्वेज मांगी जाती है। हालांकि आरपीएससी में राजस्थानी रीजनल लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, उसमें हिंदी जो है उसी को ही एक नेशनल लैंग्वेज माना गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे मराठी जो है कंपलसरी, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो मराठी समझते हैं। अगर आप बात करें महाराष्ट्र की, साउथ की बात करें तो वो लोग साउथ इंडियन लैंग्वेज को समझते हैं, तो वहाँ आप अगर हिंदी बोलेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इस वजह से वहाँ पर उन कैंडिडेट्स को जो है भर्ती दी जाती है जो रीजनल लैंग्वेज जाते हैं। ऐसे ही अगर आप नॉर्थ की बेल्ट में आएंगे तो वहाँ रीजनल लैंग्वेज हिंदी यानी कंपलसरी है। ठीक है, ऐसा कुछ एग्ज़ाम में होता है, लेकिन आरपीएससी की अगर हम बात करें तो उसमें इस तरह की कोई चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। आप आरपीएससी के लेक्चरर ग्रेड वन में
किसी भी स्टेट से आते हों, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो साउथ इंडिया हो या फिर मुंबई हो, अगर आप एलिजिबल हैं और अगर सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप इनके पूरे करते हैं तो आप इनका फॉर्म भर सकते हैं। इससे मैटर नहीं करता है और आपकी जो मेरिट निकाली जाएगी वो जनरल कैटेगरी में जितनी सीट्स हैं उसी में निकाली जाएंगी। ये जो 5% का आंकड़ा है ये पूरी तरह से फेक है, बोगस है और नकली है। ऐसी कोई बात ना कहीं लिखी है ना हमारा संविधान इसकी इजाज़त देता है। हाँ, हमारे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो इसकी इजाज़त दे देते हैं क्योंकि उनको अपने चैनल पे फ्री के लाइक्स, फ्री के सब्सक्राइब चाहिए और वो फेक न्यूज़ फैला के एक सनसनी क्रिएट कर देते हैं जो कि बहुत गलत है। और इसमें क्या होता है ना कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जो फॉर्म भरना चाहता है, वो भी फॉर्म नहीं भर सकता है। तो मैं यूट्यूबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फेक न्यूज़ फैलाने से बचें और इस तरह की कोई भी फेक न्यूज़ ना फैलाएं जो किसी के करियर को या फिर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर आपको एकदम सच्ची और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर आप मुझे फॉलो करके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये मेरा यूट्यूब चैनल तो है ही, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करके आप मेरे क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। हम आपको RPSC, TGT, PGT, LT ग्रेड की सारी ही क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ऐसे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे VDO हो, हम सारी क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं किसी बहुत नए टॉपिक पे, बहुत नई क्लास में जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तब तक लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और फेक न्यूज़ फैलाने से बचिए। थैंक यू।